नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo V21e 5G versus Samsung Galaxy A52 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Vivo V21e 5G में 6.32 इंच जबकि Galaxy A52 में 6.3 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Vivo V21e 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो Vivo V21e 5G में 2.91 इंच जबकि Galaxy A52 में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Vivo V21e 5G में 0.3 इंच जबकि Galaxy A52 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Vivo V21e 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Vivo V21e 5G में 165 ग्राम जबकि Galaxy A52 में 189 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Vivo V21e 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Vivo V21e 5G में AMOLED जबकि Galaxy A52 में FHD जोड़ समल की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Vivo V21e 5G में 6.44 इंचेस जबकि Galaxy A52 में 6.5 इंच मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Vivo V21e 5G में 84.37% जबकि Galaxy A52 में 84.94% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Vivo V21e 5G में 409 पिक्सल प्रति इंच जबकि Galaxy A52 में 405 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Vivo V21e 5G में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है, और Galaxy A52 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Vivo V21e 5G में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Galaxy A52 की बात करें तो उसमें 3 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Vivo V21e 5G में Mali G57 MC2 जबकि Galaxy A52 में Adreno 618 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Vivo V21e 5G में MediaTek Dimensity 700MT6833 और Galaxy A52 में Qualcomm Snapdragon 720G मिलता है। बात करें RAM की तो Vivo V21e 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 8GB की RAM मिलती है जबकि Galaxy A52 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Vivo V21e 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Galaxy A52 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Vivo V21e 5G में अप टू 1TB जबकि Galaxy A52 में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Vivo V21e 5G में 4000 mAh जबकि Galaxy A52 में 4500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो Vivo V21 E5G में दो कलर्स जबकि Galaxy A52 में चार कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Vivo V21 E5G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 22,999 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 25,250 रुपीस में मिलता है। और बात करें Galaxy A52 की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 23,499 रुपीस में मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Galaxy A52 आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Galaxy A52 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo EQ Z3 है जो कि 19,990 रुपए में मिलता है। दूसरा Vivo Y72 5G है जो कि 20,990 रुपए में मिलता है। तीसरा Vivo V21 5G है जो कि 29,990 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus Nord CE 5G है जो कि 22,999 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।